आज हम किसान और भालू की कहानी के मदद से आप सभी को हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ एक भालू आ जाता है। किसान भालू को देखकर डर जाता है और किसान भालू से बोलता है, हे भालू, तुम हमको मारो मत, हम दोनों मिलकर किसानी करेंगे, आधा तुम लेना और आधा हम लेंगे। भालू यह बात सुनकर सहमत हो गया और भालू बोला, मेरी एक शर्त है। किसान बोला, क्या शर्त है? भालू बोला कि नीचे की फसल हम लेंगे। किसान भालू के बात से सहमत हो गया और तब चालाक किसान ने गेहूं बोया और जब फसल तैयार हुआ तो अनाज किसान को मिला और भूसा भालू को मिला। तब भालू बोला, अब की बार ऊपर की फसल हम लेंगे। तो तब चालाक किसान ने आलू बोया, आलू की फसल तैयार होने पर आलू किसान को मिला और भालू को पत्तल मिला। तब भालू गुस्सा होकर बोला कि अब की बार ऊपर और नीचे की फसल हम लेंगे, बीज की फसल तुम लेना। तब चालाक किसान ने अपने खेत में बोया गन्ना और जब गन्ना तैयार हुआ तो गन्ना किसान को मिला, पत्तल और जड़ भालू को मिला। और तब भालू यह देखकर गुस्सा हुआ और निराश होकर वहाँ से चला गया। तो बच्चों, किसान बहुत चालाक होते हैं, उनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए।